हेलो एवरीवन, दिस इज उमा रावत। वेलकम टू माय चैनल फूड्स लाइफ। आज हम लोग बनाने वाले हैं सिंघाड़े की सब्जी। सिंघाड़ा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसके आटे को हम व्रत में खाते हैं। ये एक फ्रूट है, इसका शेप ट्रायंगल होता है और ये पानी में पाया जाता है। इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और ये सितंबर अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक सीजनल फ्रूट है। इसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें, इस सीजन में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हम इसे पराठे, रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी सब्जी की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, कट कर लिए हैं। टोमेटो लिए हैं दो मीडियम साइज के, ये देसी टोमेटो है, खट्टे वाले। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। हम इनका पेस्ट बनाएंगे और 2 टेबल स्पून यूज करेंगे इसमें से, और प्याज और टोमेटो को भी हम पीसेंगे। मसाले देखते हैं। रेड चिली पाउडर लिया है, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून कुटा लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया है। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। हल्दी लेंगे हम 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, और कुछ कसूरी मेथी लेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब, और हम लेंगे 700 ग्राम के करीब सिंघाड़े। अच्छे से वॉश कर लिया हमने ये, और अब हम इन्हें छील लेंगे इस तरीके से। एक साइड से हम इसका कवर उतारेंगे चाकू से, और फिर अपने हाथों से ही इसका कवर, इसकी स्किन निकाल देंगे और ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, इसी तरीके से हम सारे सिंघाड़े को छील लेंगे। तो अब हम कुकर चढ़ाएंगे गैस पर और तेल डालेंगे 3 टेबल स्पून और गर्म करेंगे। फिर हम इसमें तड़का देंगे दालचीनी और लाल मिर्च का। लाल मिर्च के बीज मैंने निकाल दिए हैं, वो तीखा हो जाता है। फिर अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मिर्ची के साथ हमने ग्राइंड किया था, तो 2 से 2.5 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ पर। और प्याज और टोमेटो का भी हमने अलग अलग पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाकर ही हम इस सब्जी में यूज करेंगे, उससे काफी अच्छी ग्रेवी बनती है, कंसिस्टेंसी अच्छी आती है सब्जी की। तो अब हम प्याज ऐड कर देंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेंगे। तो प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। सारे मसालों का मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया था पानी के साथ ऐड करके, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है मसालों में। पेस्ट बनाकर आप मसाले इसमें डालें तो सब्जी काफी अच्छी बनती है। अब इसे हम भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर खट्टे वाले टोमेटो लिए हैं, आप कोई भी टोमेटो ऐड कर सकते हैं। टोमेटो भी अच्छे से भून चुके हैं, 3 से 4 मिनट लग गया है इस मसाले को भूनते हुए। तेल सेपरेट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब हम इसमें सिंघाड़े ऐड कर देंगे। सिंघाड़े ऐड करके हम इसको 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेट लगा देंगे, थोड़ा सा कवर करके इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ये सारा भुनने का प्रोसेस मीडियम फ्लेम में ही होगा। अब हम पानी ऐड करेंगे 1.5 ग्लास के करीब। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप 1.5 ग्लास पानी ऐड करें, और अगर आप पतले रसे की सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे लिड लगाकर कुक करेंगे 3 व्हिसल्स आने तक। गैस फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, परफेक्ट सब्जी बनकर रेडी हुई है। हमें इतनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी। अब हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम सर्व कर लेंगे इसे। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारी टेस्टी सिंघाड़े की सब्जी रेडी है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें, बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें विद बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।